गुड मॉर्निंग, लेक्चर फिफ्थ में हम क्लास प्लस वन का चैप्टर वही चल रहा है हमारा 15, जिसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, एक्सरसाइज 15.2, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालेंगे आज कॉन्टिन्यू सीरीज का। उसके बाद देखेंगे कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें तो हमने कॉन्टिन्यू सीरीज के लिए आज बात करनी है। थर्ड सीरीज होती है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की बात हम कर चुके हैं, कॉन्टिन्यू सीरीज। तो इसमें एक बात को ध्यान रखना था, याद करो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेक क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस इफ नॉट। चलने से पहले याद रख ले, नॉट रख ले, क्या बोला, मेक क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस इफ नॉट। अगर नहीं होगा तो हम कॉन्टिन्यूस बनाते थे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बता दिया था इस बात को, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में जो हमें बनाना होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जिसको बोला ऑब्जर्वेशन को, एक्सआई को, और इस केस में हमें क्लास इंटरवल को, ना कि ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी को, नहीं क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाना होता है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के तरीके बिल्कुल सेम है जो डिस्क्रीट के हैं। तो एक होता है आपके पास सिंपल मेथड, कई मेथड होते हैं जो मर्जी आप लगाओ, दिखने में सिंपल होता है पर कैलकुलेशन वाइज ये सबसे बड़ा होता है, सिंपल मेथड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, सिग्मा पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, एस डी निकालना है, चलो सिग्मा बोलते हैं, तो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एम अंडर रूट। तो ये कल भी एक रिजल्ट आया था अगर आपको याद हो, जो किसके लिए आया था, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके लिए भी यही आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय एन आया। अब अगला चला रहा हूँ, कौन सा चला रहा हूँ, दूसरा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी कल आया था याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा के लिए आप चारों में से या चार आएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। फिर अगला आएगा आपके पास, तीसरा आएगा, वो आएगा आपके पास शॉर्टकट, जो कल वाला हमने करा था उसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्म में आए थे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा, अब तो कोई टर्म्स को डिफाइन करने का मतलब ही नहीं है, सारे पता है एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर, सॉरी एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई बाय एन का होल स्क्वायर। हियर डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ए मीन, ए का मतलब क्या था, एज्यूम मीन, कहां से फाइंड करते थे, एज्यूम मीन फाइंड फ्रॉम एक्स आई नॉट फ्रॉम एफ आई, जो एज्यूम मीन होता था, ए क्या होता था, एज्यूम मीन फाइंड फ्रॉम एक्स आई नॉट फ्रॉम एफ आई, एफ आई से नहीं आता, हमेशा किसमें से आता था, एक्स आई में से। फिर फोर्थ था हमारे पास, एक और होता है स्टेप, ये उसमें नहीं होता, स्टेप डेविएशन में, डेविएशन निकाल, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड में एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन का होल स्क्वायर, वेयर यू आई क्या होता है आपके पास, वेयर यू आई क्या होता था, याद करो यू आई पहले भी हमारा डिस्कशन में आ चुका है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, एक्स आई ऑब्जर्वेशन, ए अज्यूम मीन,
h length of the interval. सब पता है हमारे को, ये होती थी याद करो length of interval. ये क्या होता था assumed mean. xi क्या होता observation. But ये formula simple direct. डेट में एक्स आई लगता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या लगता है डी आई लगता है, इसमें क्या लगता है यू आई. तीनों फॉर्मूले सेम है, बस एक्स आई, ये यू आई, फिर ये डी आई. सिर्फ फर्क क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ फर्क क्या है. ये जो एच है वो बाहर आएगा, ये ध्यान जरूर रखना, इनमें एच नहीं आता. कॉन्टिन्यूस सीरीज में लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, यहाँ गलती होती है इसमें. सबसे आसान कैलकुलेशन वाइज यही मेथड है. पेपर में वैसे पूछेगा, आप चारों में से कोई भी एक लगा सकते हो. क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो आपका मन है वो आप लगा सकते हो. ये इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, इससे भी, इससे भी, इससे भी, पर ज्यादातर इजी यही रहेगा. जितना फॉर्मूला बड़ा होता है वो कैलकुलेशन में उतने आसान होता है. पर ये बात जरूर ध्यान रखना, पेपर में अगर उसने स्टेप डेविएशन से बोला या आप कर रहे होंगे, एच लगाना मत भूलिए. इनके बाहर कुछ नहीं आता, इसके बाहर नहीं आता, इसके बाहर नहीं आता, पर इसके बाहर क्या आता है, एच. तो चलिए वेरिएंस, वेरिएंस तो बताने की जरूरत वैसे नहीं होती है, फिर भी वेरिएंस बताना है तो जगह तो नहीं है, यहीं पर बता दूंगा तो आप समझ ही जाएंगे. वेरिएंस होता है आपके पास एसडी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तो वेरिएंस होता है एसडी का होल स्क्वायर. चलिए तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इसके लिए एक क्वेश्चन करा देते हैं. इसके लिए भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. इसके लिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बनाएंगे, ध्यान रखना. इसका इसके लिए क्या एग्जांपल है, इस वाले टॉपिक के लिए वेरिएंस निकालना है तो आप निकाल दोगे. फॉर्मूला वो आपकी मर्जी है. पेपर वाले कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा, कभी भी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भैया स्टेप डेविएशन से निकालो, शॉर्टकट से निकालो, डायरेक्ट से निकालो, सिंपल से निकालो. पर मेरी आपको सजेशन है कि आप जब भी निकालो तो स्टेप डेविएशन से निकालो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, बाकी आपकी चॉइस. चलिए एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए. फाइंड करो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए. क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास, 10 से शुरू और कॉन्टिन्यूस है, 80 तक जा रहा है, अपने आप भी बना लो. तो क्वेश्चन लिखने की बजाय मैं सीधे ही क्लास इंटरवल ही बना लेता हूं. 0 से 10 नहीं है, 10 से 20 शुरू हो रहा है, 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60 70 तक और 80 तक जा रहा है. फिर जा रहा है आपकी मिडिल वैल्यू. छोड़ दो मिडिल वैल्यू के लिए, कोई कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है. फिर अभी कॉलम बना दिया, अभी लिखने की जरूरत नहीं है. फिर जा रही है फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 12, 15, 20, 10, 4, 2. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में कई तरीके से निकाल सकता हूँ मैं. कॉन्टिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट भी लगा सकता हूँ, स्टेप डेविएशन भी. मैं स्टेप डेविएशन लगा रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी आप लगाइएगा. ये इजी रहता है, फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है. मैं टर्म्स निकाल लेता हूँ. क्या बोला, यू आई पहले निकाल लो, एफ आई, एन, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, एच भी चाहिए, निकाल लेंगे. पहले तो एन ही निकाल के निपटा दो. एन तो आपको पता ही है, सिग्मा एफ आई बताओ कितना है, टोटल करो. मैं इसकी मिडिल वैल्यू निकाल रहा हूँ. मिड वैल्यू कोई पहली बार तो निकाल नहीं रहे हो. 10 + 20/2, 30/2, 15 आएगा. तो इसकी जगह कितना आ गया, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. अब कैपिटल एन निकालो, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो. दोनों को ऐड कराया, 5, 12, 15, 20, 10 कितना आ रहा है बताओ. ऐसे नहीं सोना है तुम लोगों ने भाई, तुम लोगों को कई बार बोला तुम सो जाते हो बीच में. एन निकालो, एन कितना आएगा, टोटल मार के बताओ जरा कितना आता है, 68. तो अब मैंने पहले यू आई निकालू, फिर एफ आई यू आई पे चलूंगा, तो यू आई निकाल लेता हूँ.
यू आई आएगा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, तो यू आई मैंने निकालना है, यू आई आएगा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो क्या है एक्स आई? ऑब्जर्वेशन। एज्यूम मीन फाइंड फ्रॉम एक्स आई नॉट फ्रॉम एफ आई। एज्यूम मीन निकालते कहाँ से? एक्स आई में से। तो एक्स आई देखो कहाँ है आपका, उसमें से एज्यूम मीन निकालो। ये रहा मेरा एक्स आई, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन एंट्रियाँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो तीन ऊपर छोड़ दो आप लोग एंट्रियाँ, तीन ही ऊपर छोड़ दो, तीन ही नीचे छोड़ दो, तो बीच वाला क्या आ जाएगा? एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन कितना ले लिया मैंने? 45। और लेंथ ऑफ द इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल का एच कितना है? 10 है। ये एच, सॉरी एच लिखा हुआ है। चलिए करिए जरा, एक्स आई 15 माइनस 45 माइनस 30 बाय 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। फिर क्या निकाल लीजिए? यू आई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9410149। चलिए फिर क्या चाहिए? एफ आई यू आई और एफ आई यू आई स्क्वायर। तो एफ आई यू आई भी निकाल लो और एक निकाल लो एफ आई यू आई का स्क्वायर भी निकाल लो। एफ आई यू आई कितना? ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस 15। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसीलिए इस तरीके से करने का फ़ायदा होता है। जो मल्टीप्लाई आ रही है थोड़ी ईजी आ रही है, जिसको आप ईजिली हैंडल कर लोगे। फिर एफ आई यू आई का स्क्वायर भी आएगा, एफ आई यू आई का स्क्वायर 45, फिर आएगा 48, फिर आएगा 15, फिर आएगा 0, 10, 16, एफ आई यू आई में ये 6 है, ये भी 8 है। चलिए तो कितना आएगा? 18। निकालिएगा दोनों का सम फटाफट करके बताइए जरा, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा और सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर देखो कितना आएगा, करो जरा। ये तो सिंपल ही है, कर दे इसको तो फटाफट, माइनस 30 और ये देखना कितना आ गया 152। चलिए करा दीजिए बस पहले, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे लगा दीजिए, पुट करा दीजिए इन वन में। अब ऊपर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, पुट करा दो इन वन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? एच 10 है, नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर 152 बाय 68 माइनस, क्यों? एन 68 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस 30 बाय 68 का स्क्वायर आ जाएगा। कराइए जरा सॉल्व, कैलकुलेशन मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका भी, चाहे कॉन्टिन्यू सीरीज है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज था, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज था। फटाफट से मारिए जरा, बताइए कितना आ गया। और वेरियंस निकालना है, वेरियंस तो वैसे ही आपको पता होता है कितना आएगा, वेरियंस कितना आएगा सोचो एस डी का होल स्क्वायर। किसने निकाला? देखो ये कितना निकला है, 152 बाय 68 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कितना दे रहे हो, और ये 1 से छोटा आएगा क्योंकि ऊपर छोटी है नीचे बड़ी वैल्यू, स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा। क्या आएगा? 10 अंडर रूट ऑफ 2.05, इसका टोटल आएगा 1.43, तो 14.3 आ जाएगा। ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड। और वेरिएंस निकालना है तो कितना आएगा बताओ, वेरिएंस कितना आएगा बताओ? एस डी का होल स्क्वायर 10 इंटू 2.05 का होल स्क्वायर, सोचो 10 इंटू 2.05 का होल स्क्वायर 100 इंटू 2.05, तो कितना आ जाएगा? 205। ये वेरिएंस। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज का है, वो जरूर करा दो, आने के चांस भी उसके बहुत रहते हैं। देखो जरा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर्मूले याद करने, सिर्फ फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले एक बार याद हो गए जो बोल रहा है वो निकालते रहना। यू आई बोल रहा है, यू आई पता नहीं है, अज्यूम मीन नहीं पता किसको बोलते हैं, निकालते रहना आंसर आते। 12th एक्सरसाइज है।
ट्वेल्थ क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। फाइंड करना है आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना। चलिए हिंट दे रहे, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ये दे रखे हैं वेजेस अप टू। वेजेस वो होते हैं कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मजदूर मतलब जैसे वो एक दिन कमाएंगे, दिहाड़ी लग गई 400 रुपए की दिहाड़ी, 500 रुपए की दिहाड़ी, एक घंटे की दिहाड़ी, दो घंटे की, तो वेजेस अप टू होते हैं ये, डेली के वेजेस होते हैं, तो उनके ऊपर बात की गई है। तो ये है वेजेस अप टू, इतने रुपए तक मिलेंगे इन रुपीज में, वेजेस अप टू है, नंबर ऑफ पर्सन है। कहता है किसी जगह काम कर रहे हैं कुछ लोग, उनको अप टू कहते हैं 10 रुपए, रुपीज में दे रखे हैं 10 रुपए तक मिलेंगे कुछ लोगों को, वो लोग कितने हैं 12 लोगों को, 20 रुपए तक मिलेंगे, 20 वेजेस अप टू हैं। अप टू का मतलब क्या होता है वही इसमें बात को समझने वाला है। 30 रुपए मिलेंगे और 30 वालों को 65 और 40 वालों को 107 और 40 तक जो है 50 रुपए नहीं मिल रहे, 50 तक है, अप टू 50 तक है 157, 60 वालों को 202 और 70 वालों को 220 और एट लास्ट वालों को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका 80 रुपए वालों को 230। चलिए वेजेस अप टू का मतलब यहां तक, 10 रुपए नहीं 10 रुपए तक। तो इसमें ये टेबल गलत है, जो बनाऊंगा फिर इसको ठीक कर दूंगा। कहीं तुम ये सोचो इसमें जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है XI और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60, 70, 80 और ये दे रखे हैं 12, 30, 65, 107, 157, 102, 220 और 230। ये गलत है सबसे पहली बात, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब पढ़ो क्वेश्चन को, समझो और उसके बाद आप इसको अप्लाई करना, निकालना। मैं क्वेश्चन का डाटा आपको समझा देता हूं। वेजेस अप टू दे रखा है, तो पहला कॉलम जो कह रहा है वो XI का, उससे पहले सोचो ये वेजेस अप टू दे रखे हैं। अप टू का मतलब क्या है, 10 रुपए नहीं, 0 से 10 रुपए तक, मेरा मतलब 0 to 10 और नंबर ऑफ जो पर्सन दे रखे हैं उसके अंदर वो कितने हैं, वो 12 लोग दे रखे हैं। 0 से 20 है, 10 से 20 भी नहीं है, ये 10 से 20 भी नहीं है, गलत है, ये 0 से 20 दिया हुआ है। 0 से 20 तक कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। फिर ये 0 से 30 दिया हुआ है जिसके लिए 65 लोग काम कर रहे हैं, 0 से 40 रुपए तक जो लेते हैं वो 107 लोग काम कर रहे हैं, 0 से 50 रुपए तक जो काम करते हैं 157 लेते हैं, 0 से 60 तक के 202, 0 से 70 तक के, ये आपका डाटा है। इसको करें कैसे वो तो एक अलग बात है, पर बात समझने में पहले आनी चाहिए, उसके बाद ये इस फॉर्म में दिया हुआ डाटा, ये गलत है आपका। करें कैसे वो तो अलग बात है, वो तो मैं बना रहा हूँ, क्लास इंटरवल इसके बना देंगे, फ्रीक्वेंसी बना देंगे और फिर बात करेंगे। क्लास इंटरवल बनाते हैं, सॉल्यूशन यहां से शुरू हो जाएगा। क्लास इंटरवल है, ये मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू बाद में देखेंगे और फ्रीक्वेंसी बता देंगे। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 तक के लोग कितने हैं, 0 से 10 तक वो 12 लोग। अब 0 से 20 तक के 30 लोग हैं, पर 10 से 20 तक के कितने लोग हैं, 10 से 20 तक के लोग कितने हैं, 30 में से 12 गए 18 लोग हैं। मेरा मतलब जो ये क्यूमुलेट करके दे रही है, ये CF है, 12 के 12, 12, 18, 30, ये CF दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये FI नहीं दे रखी, FI फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, ये CF दे रखी, ये इकट्ठी होकर दे रखी है, 0 से 10 तक के 12, 0 से 20 वाले 30, इसमें ये 12 भी शामिल है, क्योंकि 0 से 20 वाले, 0 से 10 रुपए जो लेते हैं 12 लोग थे, कोई कोई पैसे नहीं लेता या काम नहीं करता, कुछ लोग काम करते 10 रुपए में काम करते वो 12 लोग थे, 0 से 20, तो 0 वाले ये भी आएंगे, 10 वाले भी आएंगे, 2 रुपए वाले भी, 4 रुपए वाले भी, 20 वाले भी, तो ये 12 लोग इसमें थे, ये 12 लोग इसी के अंदर हैं, तो
तो 30 में से 12 के 18 आएंगे फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ पर्सन है। फिर जो 20 से 30 में काम करेंगे, 0 से 30 में 65 लोग हैं, 65 लोग में 30 लोग भी हैं, 65 लोग में ये 12 लोग भी आ गए और 30 लोग भी आ गए, मतलब 30 में 18 लोग भी आ गए, तो 30 लोग इसके अंदर है 65 के अंदर। तो ये क्या आएगा 65 माइनस 30, तो कितना आएगा 35। फिर 30 से 40 ऐसे बनाना है डाटा, 40 से 50 से 60 से 70 से 80 ऐसे बनाना। ये एक्चुअल में 0 से 30 रुपए जो लेते हैं वो 65 लोग हैं, 65 लोग में ये लोग तो आ ही रहे हैं 30 लोग, और इस 30 में 12 तो आ ही रहे हैं, तो 65 में से 30 के कितने रह गए 35। फिर अगला क्या था 107 में से 65 चले गए तो कितने आ गए 35, 42 लोग। सोचो जरा इसमें से माइनस करा दो। फिर 157 में से 107 के तो कितने लोग आ गए 40 के 50 सॉरी 50 आ गए। फिर 202 में से 157 के तो कितने आ गए 45। फिर 220 में से 202 के तो कितने लोग आ गए 18। फिर 230 में से 220 के जो 70 से 80 रुपए तक कमाएंगे वो कितने लोग आ गए 230 से 220 10 लोग। ये कितने आ गए 10 लोग। तो कितने आ गए सोचोगे 0 से 10 तक 12, 12 18 20 30 और 35 65 65 और ये 42 कितने आएंगे 7 50 और ऐड कर दो 157 45 और ऐड कर दो 202 और ऐड कर दो 220 और ऐड कर दो 230 और मिडिल वैल्यू तो अब निकाल लेते हैं। ये है क्वेश्चन का डाटा, अब निकालते रहो जो भी मांग रहा है ये 5 15 25 35 45 55 65 70। अब तो जो कहेगा वो निकाल, आगे ट्राई है। मीन कहेगा मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करो ये सोचो। अब और फ्यूल नहीं याद है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या यूज करोगे इसी का यूज कर लो एच, क्योंकि कॉलम तो कुछ निकले ही होंगे। सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन का होल स्क्वायर आंसर आ गया। याद है गाइस यू आई क्या होता है बताने की जरूरत तो है नहीं, ट्राई कर लेना एक्स आई माइनस ए बाई एच, पहली बार तो कर नहीं दो ट्राई है, अपने आप निकाल लेना। मैंने डाटा को अरेंज तो करवा ही दिया, ऐसे नहीं सोचना। जीरो से दस तक बारह, 0 से 20 तक 30 होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये दिखने में आपको फ्रीक्वेंसी लग रही है, नहीं ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इकट्ठी हो गया ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, सी एफ है, इकट्ठी हो गया। 12 लोग 0 से 10 में थे, 10 से 20 में 18 लोग हैं, 0 से 20 में 30 लोग हैं, 20 से 30 में 35 लोग हैं, 0 से 30 तक 65 लोग हैं, क्यूमुलेट करके आ रही है। चलिए स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, और एक दिया हुआ है आपके पास मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन, 17 और सेकंड सेम है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल सीरीज पे, ये सारे इंडिविजुअल सीरीज के लिए चलती है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ एपीजीपी या सिग्मा के रिजल्ट भी चाहिए होते हैं कई बार, पर पहले चलो मैं एक कराता हूँ, देखो समझ आती है कि नहीं, पहले रफ में आराम से समझ लो फिर नोट कर लेना। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल सीरीज के, इसमें कुछ रिजल्ट चाहिए होते हैं।